आप दोनों यहीं रुकिए प्लीज। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, एक बार जो बोला वही कीजिए। स्टे हियर। सिद्धार्थ चले। एक सेकेंड। सिद्धार्थ कोर्ट के लिए लेट हो रहे, चले। कोई नहीं जाए, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। मिशा क्या मजाक है यार, चाबी दो, मुझे देर हो रही है, फटाफट चाबी दो। इतने बिजी हो गए हो कि अपनी मंगेतर के साथ दो पल नहीं बिता सकते? मिशा मेरे पास वाकई वक्त नहीं है, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे रोशनी को निकलना है, चाबी दो फटाफट। ना, मैं चाबी नहीं दूंगी। अगर चाबी चाहिए तो बदले में मुझे किस चाहिए? What? For all those moments that you have not spent with me. ठीक है, काम करो, चाबी तुम रखो, बट डैड को फोन कर देता हूँ, तुम उनसे बात कर लेना। लेकिन घर पे तो कोई है ही नहीं, तभी तो मैं तुम्हें मुझे किस करने के लिए कह रही हूँ। डफा मिशा, मिशा मजाक की भी हद होती है यार, मैं कह रहा हूँ ना हमें निकलना है कहीं पे, फटाफट चाबी दो यार। वो नहीं मानेगी सिद्धार्थ, हमें कोर्ट के लिए लेट हो रहा है। मंगेतर को किस करने के लिए इतना सोचना पड़ता है? फाइन। लेट्स गेट इट ओवर विद। डन हो गया, चाबी निकालो, मुझे निकलना है तुरंत। ये चीटिंग वाली केस थी, मुझे ये नहीं चाहिए। आई वांट यार, क्या बोले जा रही हो तुम? बस बहुत हो गया मजाक। मैंने कहा ना इस मजाक के लिए वक्त नहीं मेरे पास, चाबी दो मुझे। सिड कोर्ट जाने के लिए ना तुम्हें लेट हो रहा है, मुझे नहीं। बहुत हो गई बकवास मिशा, चाबी दो मुझे। I said give me the damn key. किस दो, दरवाजा खुल जाएगा। देखो मिशा, मुझे अपनी बहन को जेल से निकालना है। मेरे पास इन फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है। आखिरी बार तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चाबी दो। एक सेकंड रुको। ये लो, साइन करो और चाबी तुम्हारी। व्हाट नॉनसेंस है, क्या बकवास है। मैं साइन नहीं करूंगा इस पे। मैं भी चाबी नहीं दूंगी। अरे साइन कर दो सिद्धार्थ। पागल हो गई हो क्या? ये पेपर हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, साइन कर दो। अरे लेकिन देखो सिद्धार्थ, कृतिका तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हमें कोर्ट पहुंचना है। प्लीज सिद्धार्थ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन कर दो। मिशा, मिशा, मैंने पेपर साइन कर दिया ना। टेक इट एंड गिव मी द की। चाबी दो। ये लो चाबी। थैंक यू वेरी मच। चलो रोशनी। ये पेपर साइन करके तुमने हमारा रिश्ता और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया सिर। हम आफ्टर ऑल एक दूसरे के लिए जो बने हैं। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये बात साफ हो जाती है कि कृतिका खुराना ने जुर्म किया है। इसलिए यह अदालत मर्डर के केस में कृतिका को दोषी मानते हुए। एक सेकंड जज साहब, माफ कीजिएगा लेकिन हमारे पास कुछ पुख्ता सबूत हैं, कुछ ऐसे सबूत जो इस केस को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पेश करना चाहूंगा। एक्सक्यूज मी जज साहब, ये कोर्ट को कैसे चैलेंज कर सकता है? ऑर्डर ऑर्डर। मिसेस पटेल, आप प्लीज शांत हो जाइए और अपनी जगह पर बैठिए। मिस्टर खुराना, आपके पास ये सिर्फ लास्ट चांस है, दिखाइए क्या सबूत हैं आपके पास। यस सर। इंस्पेक्टर सर, आपको इस विषय में कुछ कहना है? यस सर। डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है कि कृतिका के कान बहुत सेंसिटिव है। वो इस तरीके के झुमके नहीं पहन सकती, वरना उसके कान में घाव हो जाएंगे। और साथ ही जो हमें सीसीटीवी फुटेज मिली उसके अनुसार मिला, जिस समय मर्डर हुआ उस समय कृतिका मंदिर के पास थी। इन नए सबूतों की रोशनी में कृतिका खुराना की बेगुनाही साबित होती है। इसलिए यह अदालत कृतिका खुराना को बाइज्जत बरी करती है। कमाल कर दिया, अपनी बहन को बचा लिया। रुकिए, मैं देखती हूँ, आप रुकिए। नमस्ते, प्लीज आइए, कम। शिव बाबा को फोन करना होगा, पता नहीं कौन लोग हैं ये। काका क्या कर रहे हैं आप? हाँ, फोन पे लगे हुए मेहमान आए हुए। हाँ, मेहमान की खातिरदारी करनी पड़ती है ना। बेटा हमें पता है मेहमान खातिर कैसे करते हैं। हाँ, हम बना लेंगे सब। अरे नाश्ता बना दीजिए, चाय बना दो। हाँ हाँ हाँ, आप वो। अरे बिटिया दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे बिटिया दरवाजा तो खोलो। चलिए फिर तैयारियाँ शुरू करते हैं। Let the game begin then. Roshni, I'm so sorry, Roshni. तुम्हें हमेशा गलत समझा मैंने, अपने भाई को भी। माफ कर दो मुझे प्लीज मम्मा। जब सुबह का भूला हुआ शाम को घर पे लौटा है ना, तो उसे भूला नहीं कहते। अब मेरा परिवार पूरा हो गया। आजा मेरी बच्ची। कंग्रेचुलेशंस, बहुत सुंदर परिवार है, प्यारा परिवार है। है ना माँ? क्या हुआ माँ? अरे आपको तो खुश होना चाहिए। देखो ना आपका जमाई सामने खड़ा है, फेवरेट जमाई। कितना अक्लमंद और सयाना है। पूरा केस घुमा के रख दिया, थोड़े पैसे दिए, थोड़े सबूत तोड़ मरोड़ दिया, एंड देयर यू आर डन। बच गई उसकी बहन। क्या तगड़ी मात दी है ना इसने आपको। अब तो पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है, एक साथ बैठो, टाइम बिताओ, पता लगाओ अब और किसकी बैंड बजानी है, किसके साथ और क्या नुकसान करना है। और ये आपकी नातिन देखिए ना, वापस अपने सिद्धार्थ के साथ आ गई है। बड़ा रो रही थी, पता नहीं कितने आंसू बहाए थे अपने पापा के लिए। अब क्या हुआ? उन्हीं के कातिल के साथ मिलकर I am wrong. तुम तो ऐसा कर सकती हो, और पापा भी तो यही चाहते थे, इंतजार कर रहे थे, खुश होंगे आज वो बहुत ज्यादा। मॉम आप गलत समझ रहे, कृतिका बेकसूर। कितनी बार यही सुनूंगी, घिसा पिटा रिकॉर्ड, ये बेकसूर वो बेकसूर, ये अच्छा है ये सही है, सिड ये कह रहा है, कितना। आई एम फेड अप। जो है सिद्धार्थ बिल्कुल सही है, जो कह रहा है उसे सुनो, उसके पास सबूत है। वाओ, अब तो हमें भी रट गई है स्टेटमेंट्स, कब से सुन रही हूँ। आपकी नजर में शायद मैं भी एक घिसा पिटा रिकॉर्डिंग हूँ, लेकिन उसी बेकार बातें बोलता रहता हूँ। रोशनी ने हमेशा सही का साथ दिया है, हमेशा, और आज भी वो सही का साथ दे रही है। उसी सही का साथ सुमोम जैसे पहचानने में आपको हमेशा मुश्किल होती है। हाँ, हमेशा से ही मुश्किल होती है। ये पहचान जाती है ना, हर बार पहचान जाती है। बेवकूफ बनाते रहते हो, बेवकूफ बनती रहती है। तुमने हमेशा मुझे सिद्धार्थ अपसेट देखा होगा, गुस्से में देखा होगा, लेकिन दीदी को कभी तुमने दुश्मन के तौर पे नहीं देखा होगा। हमेशा रिश्ता बनाना चाहते हो ना मुझसे, तो हमारा नया रिश्ता कायम हो चुका है। आज से हमारा नया रिश्ता कायम होता है, नफरत का।